उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में सपा कार्यालय पर राष्ट्रीय निषाद संघ व सपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान चौधरी लोटन राम निषाद राष्ट्रीय सचिव द्वारा बताया गया कि भाजपा सरकार संघ के इशारे पर पिछड़ों दलितों आदिवासियों को शिक्षा से वंचित करने व सामाजिक अन्याय का शिकार बनाने के काम में जुटी हुई है। वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के एक महीने के अंदर ही योगी आदित्यनाथ ने निजी मेडिकल डेंटल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा ओबीसी को 27% व SP/ST को 22.5% आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया। यही नहीं, भाजपा पिछड़े वर्ग को सामाजिक अन्याय उत्पीड़न व अत्याचार का शिकार बनाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष दुर्गापाल, MLC डॉक्टर दिलीप यादव, ओम प्रकाश पूर्व विधायक व जिलाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड कमलेश यादव, मोहित शर्मा सहित आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वह इस दौरान और क्या कुछ कहना था राष्ट्रीय सचिव चौधरी लोटन राम निषाद द्वारा, देखिए फिरोजाबाद से सौरभ सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, SKH न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार मैं 20 जिलों का भ्रमण करते हुए, यह मेरा 21वां जनपद है कि फिरोजाबाद में आया हूं। कल मेरा जसराना में और सिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ। आज मैं अपने लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पत्रकारिता जगत के बंधुओं से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बीच में विधान परिषद के सम्मानित सदस्य दिलीप सिंह यादव जी और नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष दुर्गपाल यादव जी, हमारे पूर्व विधायक सिकोहाबाद के ओम प्रकाश वर्मा जी जो हमारे निषाद समाज के ही हैं। मेरा आने का यहाँ मकसद ये रहा कि जब लोकसभा 2014 का चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया ट्रायल कराया था कि 86 में 56 यादव SDM हो गए, जबकि सच्चाई यह थी कि 30 में मात्र 5 यादव और 3 वर्ष के अनिल यादव के कार्यकाल में जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे 97 SDM पद की वैकेंसी निकली थी, जिसमें 29 गैर यादव, 14 यादव, 18 अनुसूचित जाति के हुए थे। लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग की जातियों की एक विडंबना होती है कि ये कान के बड़े कच्चे होते हैं, तो हुआ तेरा कान लेकर के गया तो ये अपने कान को नहीं देखते हैं। उसी तरह से हमारे गैर यादव, अति पिछड़े, अति दलित भाजपा के छल कपट, झूठ भरे और जुमलेबाजी की राजनीति में आकर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का काम किया। आज वर्तमान में ये स्थिति है, सभी आप सब अवगत हैं कि भाजपा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है। अगर भाजपा को जो अपना नारा देती है अगर उस पर उसका तनिक भी ईमान धर्म अगर जवाब देता है तो मैं जानना चाहता हूं कि यादव समाज की आबादी 10.49% है तो यादव समाज के गिरिचंद यादव को राज्य मंत्री क्यों बनाया गया है। 12.91% आबादी निषाद मल्ला के उठ बिन धीवर कार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार की है, तो इस समाज के जयप्रकाश निषाद जो भाजपा से तीसरी बार विधायक हुए हैं उन्हें राज्य मंत्री बना करके निषाद समाज का जो है कि राजनीतिक अपमान करने का काम किया गया है। अनुसूचित जाति में चमार जाटों की सबसे ज्यादा आबादी 11.48% है, उस समाज के 20 विधायक बीजेपी से निर्वाचित हुए हैं, इसके बावजूद भी चमार इतना अछूत है कि भाजपा के लोग उस समाज से राज्य मंत्री बनाना भी उचित नहीं समझा है। 3.87% आबादी पासी समाज की है, उस समाज से सुरेश पासी को राज्य मंत्री बनाया गया है और एक हमारा ही कुनबा है, हमारा फिरका लोधी का है, जिसकी आबादी 3.60% है, धर्मपाल सिंह लोधी जो आंवला से जीते हुए हैं, कैबिनेट सिंचाई विभाग के कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें अपमानित करके, उन्हें बुरी तरह से लज्जित करके उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। तो भाजपा की कथनी करनी में कोई समानता नहीं होती है, भाजपा जो कहती है ठीक उसके काम उल्टा काम करती है। भाजपा जो मंडल कमीशन की विरोधी है वह पिछड़े वर्ग की हितैषी नहीं हो सकती। हमारे नेता की भी मांग है, हम लोगों की भी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत और समाजवादी विचारधारा के अपने सवर्ण भाइयों के सहयोग से 2022 में हम 350+ की सरकार बनाएंगे और हमारी सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार अगर सेंसस 2021 के आधार पर जनगणना नहीं करती है तो हम लोग उत्तर प्रदेश में सभी जातियों की वर्गवार जनगणना करके
जिसकी जितनी संख्या होगी उस अनुपात में सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी का बात हो, चाहे सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का मामला हो, सारी योजनाओं का लाभ हम लोग जनसंख्या अनुपात में देंगे। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 2021 की जो जनगणना होनी होने वाली है 1 अप्रैल से, उसमें जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। एक मामला ये आता है, अभी CJI जो SI बोबड़े साहब हैं वो कहते हैं कि न्यायपालिका में आरक्षण की मांग नहीं हो रही है और आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। दिलीप यादव हो, चाहे द्रुपाल यादव हो, चाहे ओम प्रकाश वर्मा हो, लौटर राम निषाद, यह मांग करता है कि जब लोक सेवा आयोग के माध्यम से, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कार्यपालिका के अधिकारियों कर्मचारियों का चयन होता है तो कोलेजियम सिस्टम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन न करके राष्ट्रीय न्यायिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए ताकि जातिवाद और भाई भतीजावाद बंद हो। एक तरफ कहा जाता है कि न्यायपालिका में जातिवाद नहीं होता है, अगर न्यायपालिका में जातिवाद नहीं होता तो 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने वाले जिनके कार्यकाल में चारा घोटाला हुआ, जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू प्रसाद यादव जिन्होंने चारा घोटाले की समिति बनाया और लालू प्रसाद यादव को जेल, यह जो है कि स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका में जातिवाद है। न्यायपालिका पर राजनीति का दबाव हो गया है। आज जो उच्च न्यायपालिका है वह RSS के भाजपा के दबाव में काम कर रही है। अगर दबाव में, इसका प्रमाण मैं देना चाहता हूं कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी 10 सीट जीत करके किंग मेकर बनती है और भाजपा के साथ गठबंधन होता है तो दुष्यंत चौटाला के पिताजी अजय चौटाला हजारों करोड़ के घोटाले में जेल में बंद थे, जो गठबंधन की बात होती है दूसरे दिन 10:12 पर पेरोल की अर्जी पड़ती है, 10:17 पर पेरोल की अर्जी मंजूर होती है और अजय चौटाला जेल से बाहर होते हैं। अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, जब देवेंद्र फडणवीस के पाले में चले गए, भाजपा के खेमे में चले गए, अमित शाह से मिल लिए तो 27,000 करोड़ सिंचाई घोटाला के साथ 9 घोटालों में आरोपी होने थे, उन्हें जो है कि दूध का धूला करार दे करके उनके सारे मामलों में क्लीन चीट दे दी गई। तो इसे स्पष्ट है कि न्यायपालिका पर जातिवाद हावी है, राजनीति हावी है, संघ के घेरे में है। एक बात, हमारे नेता, हमारा भाई मार दिया गया था झांसी में, पुष्पेंद्र यादव, जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पुछार करने गए, द्वार करने गए, तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अखिलेश यादव जातिवाद कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं अपने लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के साथियों से मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि विवेक तिवारी जब गोमती नगर में पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किए और आत्मरक्षार्थ पुलिस वालों ने विवेक तिवारी की मार दिया, विवेक तिवारी की पत्नी को PRO की Class 2 की नौकरी दी गई, गोमती नगर के पास इलाके में उन्हें 2 करोड़ का मकान दिया गया, 45,000 रुपया नगद दिया गया। कमलेश तिवारी जो हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी मां चिल्ला चिल्ला के कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुप्ता मारा है, लेकिन 3.5 करोड़ रुपया देकर के उसकी जबान को बंद करने का काम किया गया, उन्हें अंदर खाने में बंद करने का काम किया गया। तो जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, जो समाजवादी होता है वह जातिवादी हो नहीं सकता। समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय को इन जातिवाद के व्यवस्था से परे होकर के सबके कल्याण मान सम्मान के लिए काम करने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव की सरकार ने 18 लाख बेटे और बेटियों को, क्या लगता है 2022 में अखिलेश यादव किसी से गठबंधन करेंगे? हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, जिसे आना होगा हमारे साइकिल के निशान पर लड़ेगा। हमारे नेता का फरमान है कि समाजवादी पार्टी का दरवाजा खुला है, जो आएगा ससम्मान उसे माला फूल पहना करके उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने बलबूते अपने चुनाव चिन्ह पर 403 सीटों पर जीतेगी। जनता आज चिल्ला रही है कि आज चुनाव हो, अखिलेश यादव को जिताएंगे, भाजपा को भगाएंगे, हमारे निषाद समाज का मैं रहने वाला। नागरिक संशोधन को लेकर ये पुलिसकर्मी, कुछ पत्रकार, कुछ जनता मारी गई, इसके बारे में क्या कहना है आपका? NRC के मामले में जी, NRC और CA का जो मामला है मैं बताना ही चाह रहा था, ये इसके पीछे हिंदू और मुस्लिम करने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी मामला आता है तो मंदिर और मस्जिद का मामला, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, ईद और दिवाली की बात करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि शाहनवाज हुसैन को रिश्तेदार बनाने में, मुख्तार अब्बास नकवी को, मोहम्मद करीम को रिश्तेदार संघ के लोगों ने बनाया, तो क्या यह हिंदू और मुसलमान नहीं है?
जीजा और दामाद बनाने में कोई परहेज नहीं, लेकिन वोट लेने के लिए हिंदू और मुसलमान का प्रोपेगेंडा किया जाता है। एनआरसी सीएए के पीछे आरएसएस का हिडन एजेंडा है कि मुसलमान तो सिर्फ निशाना है, ओबीसी एससी असली निशाना है। सीएए एनआरसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के इशारे पर चल रही है, वह पिछड़े दलित वंचित अकलियत आदिवासी वंचित समाज को शिक्षा से मताधिकार से और सरकारी योजनाओं से वंचित करने का षड्यंत्र कर रही है। समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर करके अगर भाजपा अपनी रणनीति में परिवर्तन नहीं लाती है, जनता के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करती है, तो समाजवादी लड़ने में तनिक भी परहेज नहीं करेगा। हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र के संरक्षण के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, हम लोग जिस तरह से देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़े, हम संविधान के संरक्षणार्थ हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करके इतने जनता मारी गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी कोई मामला आता कह दिया हिंदू और मुसलमान, मारने वाला मिश्रा है और एक मुसलमान को आगे कर दिया गया कि मुसलमान मारा, इसका तो आप लोगों ने पर्दाफाश कर दिया है कि वह जो गोली चलाया है शाहीन बाग में वह कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक मिश्रा रहा है जो आरएसएस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। तारिक हुसैन को छत पे दिखाया गया है कि वो हाथ में डंडे और लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप उसके यहाँ पेट्रोल बम अन्य ऐसा सामान। मैं ऐसे हम लोग हमारी पार्टी या मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों के साथ नहीं हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो गोली चला करके मारा गया है जिसका शाहरुख खान जिसको शाहरुख चिल्लाया जा रहा है, वह शाहरुख नहीं है, वह मिश्रा है, आशुतोष मिश्रा है वह व्यक्ति जिसने सारे लोगों को मारा है गोली। और एक बात मैं निशा समाज का हूँ, समाजवादी पार्टी ने मल्ला केवट बिन दीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी दायकवार कुमार प्रजापति भर राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव 2004 में भेजा था, लेकिन जोगी बाबा जो वोट लेने के लिए कहते हैं कि राम की नैया को आपके पूर्वज निषाद राज ने पार लगाया था, हम लोग राम के भक्त हैं, हमारी नैया पार लगाइए और जब सरकार बना लिए तो ये टेंडरिंग करके बालू मरोन खनन मत्स्य पालन का धंधा हमारे समाज से छीन लिए और 17 अति पिछड़ी जातियों का प्रस्ताव वापस लेकर निरस्त करके इस समाज के साथ विश्वासघात किए हैं। यह निषाद समाज 12.91% की आबादी में है, हम किसी की चुनावी नैया को पार लगा सकते हैं तो हम उसकी चुनावी नैया को डुबा सकते हैं। 2022 के चुनाव में हम लटक कर झटक कर पटक कर भाजपा को हटाएंगे, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे।